भाजपा कार्यकर्ता और सिपाहियों के बीच हुई नोकझोंक में सिपाहियों पर दर्ज हुई FIR। कानपुर, कहने को तो पुलिस विभाग राज्य सरकार के आदेश के अनुसार कार्यकर्ता है, पर कई पुलिस कर्मी ऐसे भी हैं जो मौजूदा सरकार के कार्यकर्ताओं पर भी अपना रौब झाड़ना चाहते हैं। ऐसे कई अनगिनत मामले देखने को मिलते हैं जहां पर सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ताओं को बिना किसी कारण कुछ पुलिस कर्मियों द्वारा उनके साथ या तो अभद्रता की जाती है या तो आए दिन उनके साथ नोकझोंक जैसी वारदात देखने को मिलती है। ऐसा ही एक मामला चुन्नीगंज बस अड्डा चौकी के पास भाजपा के कुछ पदाधिकारी होटल पर चाय पी रहे थे, तभी डायल 112 जेब्रा की गाड़ी पर दो सिपाही आए और भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर के जिला मंत्री रोहित साहू से अभद्र भाषा में बात करने लगे। तभी उनके कार्यकर्ताओं ने सिपाही से बोला कि आप गलत शब्दों का प्रयोग न करें। इतना सुनते ही सिपाही ने अपना आपा खोते हुए भाजपा के कार्यकर्ताओं से गंदी गंदी गालियों में बात करने लगा। थाना कर्नलगंज बगल में होने के कारण सभी भाजपा के कार्यकर्ता थाने पहुंच गए। थाने में सिपाही को बचाने के लिए पुलिस ने पूरा प्रयास किया और बस अड्डा चौकी इंचार्ज देवेंद्र सिंह ने सिपाही के पक्ष में बचाव करने का कार्य करते रहे। मामला गंभीर होने पर थाने के SHO बलराम मिश्रा मौके पर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि अगर सिपाही पर कार्यवाही नहीं की गई तो कल सुबह पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट से बात करके इंसाफ की मांग करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता थाने में धरने पर बैठे हैं, जिसके बाद मामले की गंभीरता को समझते हुए आरोपी सिपाहियों पर स्थानीय पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। RTI न्यूज 24 के लिए सूरज कश्यप की रिपोर्ट। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।